सब गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं CST FS रोड। तो आज हम जाने वाले हैं FS रोड शॉपिंग करने के लिए कपड़े की। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह उधर मिलते हैं कपड़े, और देखते हैं बार्गेनिंग करके कि कितने कम में मिलते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे कैसे बार्गेनिंग करते हैं। अगर आप कभी वहाँ पे गए तो किस तरह बार्गेनिंग करना है आपको, किस तरह नहीं, तो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक मेरा दोस्त भी आने वाला है साथ में, एक्चुअली मुझे वो थाने में मिलने वाला है, तो पहले थाने जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से CST FS के लिए। तो बने रहिए और देखते रहिए। तो अभी यहाँ पे कसारा लगी है, उधर कौन सी लगी है देख नहीं रहे मोबाइल में, बट वहाँ पे शिवाजी टर्मिनस धीमी और करजत फास्ट, वो क्या है उधर CST फास्ट है 2:10 की। अभी टाइम कितना, आओ इधर आपका स्टेशन, इधर आपका स्टेशन खाली है, मुझे लगा कि ट्रेन के लिए भीड़ रहेंगे यहाँ पे खड़ी, तो देखा तो पर आपका स्टेशन खाली है। 10 से 20 मिनट हो गया मुझे खड़े हो गए, लेकिन ट्रेन अभी तक आई नहीं, स्टेशन पूरा खाली है। यहाँ पे ट्रेन आ गई लेकिन अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं आई, मतलब इतना लेट रेलवे का काम है। जो ट्रेन क्या हुआ 2:15 को आने वाली थी और अभी बची है 2:30 भी नहीं हुए, 2:37 हो गया और अभी तक नहीं आई। अभी ट्रेन तो आ गई है लेकिन पता नहीं कौन सी ट्रेन है, वो देखना पड़ेगा। वो कोई तो ट्रेन आई है लोकल ट्रेन के साथ ही, पता नहीं लोकल ट्रेन का कलर तो लग नहीं रहा है, लोकल ही है। तो जल्दी से पकड़ते हैं फर्स्ट क्लास, कौन सी लोकल है इसमें, लोकल स्टेशन 2:00 ट्रेन आ गई अभी, तो अभी हमें भागना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास मिला वहाँ पे जाओ, फर्स्ट क्लास। कल इतनी भीड़ नहीं थी और भीड़ जम गई। फाइनली अरे हमें चढ़ गया फर्स्ट क्लास, अभी आगे दिखते हैं। ट्रेन में TC आने की वजह से बहुत भीड़ थी, तीन लोगों का है। मैंने तो अपना पास दिखा दिया है, ये तीनों को लगता है ठाणे स्टेशन लेके जाएंगे, फिर आप लोग उनकी चेकिंग होगी, वहाँ से पूछेंगे कि टिकट है कि नहीं उनका। ठाणे स्टेशन आ गया है, सॉरी एक्चुअली मुझे फ़ोन आ गया तो इसलिए बता नहीं पाया। तो ये 3-4 लोगों को लेके चले गए ठाणे में, पूरा ट्रेन ही खाली हो गया।
मतलब फर्स्ट क्लास में विदाउट ऑक्सीजन के मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। तो चलो मिलते हैं सीएसटी में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं सीएसटी स्टेशन, हम लोग घुमाते। तो फाइनली मैं उतर गया सीएसटी स्टेशन। तो अभी पता नहीं मेरा दोस्त किधर है, ढूंढना पड़ेगा उसको। तो जल्दी से चलते हैं, उसका फ़ोन आया तो बोलते हैं 6 नंबर पे। नीतेश अपना, वही बॉडी बिल्डर। तो जल्दी से चलते हैं 6 नंबर की तरह भाग के। यो मेरा दोस्त नीतेश मिल गया मुझे। कहाँ जा रहा है, सोच रहा था घर जा रहा हूँ। घर जा रहा है, 10 मिनट भी वेट नहीं करता था। आइटम रहते तो 1 घंटा वेट करता है। आइटम एक दिन भी नहीं रुकू इसके लिए 10 मिनट। ओह, आइटम कुछ काम की नहीं रहती। हाँ ये सही बोला, तो साथ छोड़ के चली जाती है। एक दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, सब लोग काम से छुट के अभी घर जा रहे हैं और हम लोग घूमने जा रहे हैं। अभी देखते हैं जो कुछ मिला यहाँ पे तो ले लेंगे। गड्ढा था यहाँ पे, क्या क्या है देखने लायक। स्क्रीन गार्ड नहीं चाहिए। मास्क पीस, मास्क में आते वक्त ले लूँगा। पहले यहाँ पे भी कपड़े की दुकान नहीं लगती थी, आजकल ज़्यादा लगने लगी। दोनों तरफ से मैच चालू है पर इसका कोई गारंटी नहीं कि कहाँ से भी आके हमें बॉल लग सकता है। यहाँ देखो कि यहाँ देखो, कहाँ देखो वही समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है सीधा ही देखना पड़ेगा। ये क्रिकेटर हमारे इधर का मोहल्ले का सबसे खतरनाक क्रिकेटर है। डबल सेंचुरी हो गई रही इधर अभी तक, 5-6 बार। ओके 5-6 बार। तो ये है फैशन स्ट्रीट, चालू होते हैं ऐसे। नहीं ऐसे नहीं चाहिए उधर है, इधर का ठीक है। मतलब ये वाला लिया था। क्या बात कर रहे हैं, ब्लैक 200 कितने का भैया? भाई 200 बोला ना। अच्छा लेकिन पतला कपड़ा है। तो अभी हम लोग फैशन स्ट्रीट आ चुके हैं। जैसे ही रोड क्रॉस किया तो ऐसे ही फैशन स्ट्रीट आता है। आराम से चलने का भाई, धीरे धीरे चलने का। ट्रैफिक सिग्नल लगा है तो फैशन स्ट्रीट आ गया। तो अभी देखते हैं जो पसंद आया वो ले लेंगे। तो ये है फैशन स्ट्रीट, आपने सभी ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी देखते हैं कुछ अच्छा मिल गया तो। ये अंडरपैंट बहुत है भाई, अंडरपैंट पहन पहन की जिंदगी जी रहे बचपन से अभी तक भाई। अच्छा आजकल टी शर्ट दिख नहीं रहा है ये टाइम। नितेश, नितेश अरे जूता सही है। देखते इधर कुछ अच्छा मिले तो। यहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे टी शर्ट लग रहे हैं, यहाँ पे सही लग रहे हैं। सही तो सब जगह पे लग रहे हैं। ये कितने का भैया? कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा नहीं, एक ही लेने का। देख लो जो लेना है उसी का रेट, जो लेना है उसी का रेट पूछना है। इधर हमें वही चाहिए वाला, खोल के दिखाओ ना। नहीं ये एक काम कर रहे हैं, ये वाला नहीं, ये वाला इसको दिखाओ। मूड बदल गया। हाँ और ये वाला एक बैठू क्या मैं? नहीं तो ये वाला दे दो, ये वाला, ये वाला फाइनल। इसका रेट बताओ कितना देगा? 550। 550 कोई ज़्यादा नहीं होगा।
बताओ ना लेने का रेट बता दो ना। लो ये लो 200 रुपये दो जल्दी से। हाँ मैं वो बाहर वो रास्ता वो रोड मालूम है एकदम जो जहाँ से एंटर होते अपन मिडल वाला वहाँ से कितने टी शर्ट लेकिन भैया नहीं आज सेम है ये देखो ये जो सेम था पूरी बाजार में सेम तो मिलेगा। मैं सिर्फ देख रहा था आप कितना बोलते जानू इसकी सोचा वैसा ब्लैक वाला लेने के लिए तभी मेरा उसके ऊपर जमेगा बराबर नहीं है थोड़ा सा कितना तू कितना बोल रहा है मैं 150 बोल रहा हूँ 400 रुपये 150 सही है तो पीछे से गंदा भी थोड़ा सा अरे यार वो तो निकल जाएगा इसको भूलोगे नहीं जिंदगी भर ऐसे नहीं ना पहनोगे उसको भूलोगे दो बार पहन के देख 6 साल के बाद पहना हो तो 100 कर तू कितना बोल रहा लास्ट तू लेना कितना करोगे फाइनल फाइनल वही बोला जो उसको थोड़ा आज लगता है भीड़ कम है इधर आज बहुत भीड़ कम है आज तेरा भाई आ गया भीड़ कम आज भाई आ गए इधर कुछ अच्छा है क्या ये सब ऑनलाइन टी शर्ट है ना वो जो ऑनलाइन एक साइड है वैसे वही सब टी शर्ट उधर से आते सब सेम है इधर है क्या कुछ सब सेम सेम लग रहा है टी शर्ट रहे पचास रुपये एक मिनट रुक जाए एक मिनट ये वाला ले लेंगे ये चाहिए मेरे को साढ़े तीन बार माल आजकल अभी यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स नहीं आ रहे तो सब कपड़ा घर पे छुपा के पहले पहले इधर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे अभी पता नहीं क्या हो गया इधर नीतीश आ गए इसलिए अभी सब इतने खास कपड़े नहीं अभी ये टाइम पे इतने खास नहीं आ गए भाईजान कुछ लॉकेट लॉकेट ले लेना बिग बॉस वाला ले बिग बॉस कौन सा ले रहा है क्रॉस ले रहा है ब्लू रहा सही लग रहा है इतना खास नहीं है लेकिन ठीक ठीक अच्छा है और दूसरा देखना डिज़ाइन ये ऐसा नहीं पहना थॉर का होता है नहीं नहीं मेरे पास जिम का है ना तो बाइक के लिए इसका बोल कितना बोल रहे हो 120 ये लॉकेट का इसका कलर निकल जाएगा सब तो इधर आजकल अच्छे टी शर्ट नहीं मिल रहे जैसा चाहिए वैसा वैसा जैसे वैसा मिल नहीं रहा है तो अगर आप तुमको भी आना रहेगा यहाँ पे टी शर्ट लेने तो इस तरह की अभी मार्केट में आए हैं लेडीज़ की अगर चाहिए तो मार्केट पूरा बोरिंग हो गया मार्केट सीरियसली हाँ संडे को अगर आए तो मज़ा आता मैं सोच रहा हूँ क्या लूँ क्या नहीं लूँ जूता लेना लेकिन कोई कम करने का रेडी नहीं अगर आपको निकर चाहिए कुछ चाहिए पर्सेस क्या प्राइस है बाटलिया दूध की बोतल बच्चों की क्या खिला रहा है तू खिला रहा है मेरे को मैं गाली खिला रहा हूँ गाली खिला रहा है देखते ना कुछ तो खाएंगे छोटा पहले यहाँ से तो निकले अरे बनवाए हो तू ये वाला दिखा नहीं यही अच्छा ये मैं कहूँगा क्या लेकिन अरे आराम से आएगा तू ना बनवाए नितिन से कहा रहे क्या अच्छा लगेगा कितना बोल रहे हैं 650 छः सौ कितना देगा 650 दे स्पाइडरमैन का इधर है क्या चाहिए बोलो फोटो ब्लॉग बना रहे फोटो नहीं ब्लॉग बना रहे तो हमने अभी एक टी शर्ट ले लिया 750 वाला 750 वाला वहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि वो भैया को पसंद नहीं आ गया कैमरा चालू था इसलिए यहाँ पे मैं मार्वल का कहीं मिल जाएंगे तो ले लेंगे मैडम
भाई कितने का दिया? हाँ भाई इधर खरीद लिया है तो बेटे आप मेरे को लगा के भेजे ऐसा ही चोटी पकड़ के मारेगा बताने मास्क का कितना है? 10 में देंगे क्या? भाई इधर आइए 70 रुपये लाख बोलते हैं बोल वो बेटे इधरा उधरा बोल रहा देखो मेरे को बुला रहा है हाँ तेरे को बुला भाई जा रहा है अभी देखने के लिए कितने में कम में देता है कि क्या लो क्या नहीं सोच रहा मुझे मत ले मेरे टी शर्ट ही नहीं आज कुछ मिल ही नहीं रहा है मेरे को हम लोग बहुत देर से घूम रहे हैं लेकिन अभी तक एक टी शर्ट नहीं मिला आधा एक घंटा हो गया पहले से इधर वैरायटी नहीं रहा भूख लगी तो इसको भूख लगी बहुत देर से खाने की जरूरत नीतीश क्या खाएंगे बता गाली खाए हाँ गाली खाए कौन में बड़ा पाव खाएंगा आओ बनी की भाई आओ क्या खिला रहा है मेरे को तो बोल गालियाँ बहुत सारी है खाएगा नहीं पेट भर के खाओ हाँ बोले बस दोनों से इसमें बड़ा साइज है क्या ये वाला सेट लिया मिलेगा ना इससे बड़ा ये वाला लिया और भी लिया तो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको और ये भी था ये था मेरे को ये पसंद आया था तो आपको कौन सा पसंद है मुझे जल्दी कमेंट में बताना हेलो 7 8 9 10 रेड वाला तो निकालो एक बार बस रेड निकाल दो एक बार निकाल दो ग्यारह कलर है कौन सा तू रेड वाला निकाल रेड वाला ये मिल जाएगा भाई आपको जोड़ी चाहिए तो जोड़ी दे देता हूँ रेड वाला निकाल दो भाई जान बस भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ये मेरे को बता ना ये लो भाई नहीं बैठा आप बोलो मैं बोल तुम देखो खिले बचा ना भाई तुम पहनो पहनो आप बैठो आराम से बैठो कोई बात नहीं उसमें नींबू रहता है नित्या को भूख लगी है बहुत कितने जोर से लगी है क्या खाएगा बोल सिर्फ नाम बोल क्या खिला रहा है क्या खिलाओ क्या खिला रहा है चल काउंटर करके हाथों कुछ बड़ा सबसे फिर डायलॉग आ रहा है कि नहीं तो मुझे जूता लेने आता लेकिन जूता मिला नहीं मेरे को बराबर ये सही जूते नहीं है यार पहले ऐसे जूते भी नहीं रहे सब सड़े 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 आज इतना इतना जैसा है ना धंधा ऐसा लग रहा है कि क्या पता नहीं क्या आगे अगर गाइस आपको जूता लेना है तो कभी यहाँ पे मत आना बड़े फालतू जूते नसीब अच्छा रहेगा तो अच्छा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा मुझे बहुत भूख लगी है तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाऊ गली में गए के लिए जा रहे खाना खाने की तो ये है खाऊ गली का रास्ता अभी नीचे जब ही उड़ता है ये खाऊ गली का रास्ता है यहाँ पे भी फुटबॉल खेला जाता है शोरमा खिलाएगा शोरमा खिलाएगा खिलाएगा ना कैसा रे जरा आज तू तू लेके आया मेरे को तू खिलाना चाहिए तू बोला चल ब्रो अपुन जा दे मैं खड़ा हूँ आ जा सुना होगा रिकॉर्डिंग सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास ऑनलाइन दो शोरमा खिलाता और नहीं बोला रहेगा ना तो चार खिला देगा ओके ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है जाएगा दो और खाएगा चार पर तूने को जूता लेने दिया ही नहीं हेलो ऐसा मारेगा ना क्या मारेगा और आगे जाते मिल जाता था कहीं ना कहीं
कोई ना कोई ऐसा बंदा रहता जो मेरे को समझता और दे देता, ठीक है भाईजान ले लो। एक खाओ के लिए कि टॉयलेट के लिए? खाओ के लिए। तो यहाँ पे हम लोग शोरमा खाने के लिए आए, ठीक है। शोरमा कैंसिल किया? शोरमा कैंसिल नहीं भाई, भाई का नहीं, तूने बोला मेरे को चिकन। मुझे तो पता मेरी क्या चीज़ें खाने का है, ये खाओ के लिए। बैठो क्या भाई जी, बैठो क्या? बैठी नहीं यहाँ पर। हाँ मिलते हो भाई, तो गाड़ी लाया टेबल इधर ले ले। हाँ भाई आज इधर ठीक ठीक मिलता है। हाँ बता भी सही का, इधर बता मुझे क्या माला जाए ना इंडिया जाए ना ये। हाँ बोलिए सर। क्या बोल रहा है, गाड़ी लाया है ना? लाया, जिम किधर रखा है? लाया क्या क्या घर पे छोड़ेगा ना? छोड़ेगा ना? छोड़ेगा। आया ना? छोड़ेगा छोड़ेगा दिल से बोल, छोड़ेगा दिमाग से बोल, छोड़ेगा भाई जल्दी आए। आगे 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 ये दोस्त शेजवान नूडल है ना सर। तो अभी हम पीने जा रहे गन्ना, तो अभी हम गन्ने का जूस पीएंगे। गुस्सा का अभी हम निकल रहे हैं एफएस से घर के लिए। 200 रुपये बज गया, अभी पुलिस वाले पकड़ने वाले थे, इसने मास्क नहीं पहना था निकल गया। और फिर से मास्क निकाला उसने। क्यों करते हो ऐसा? मज़ा आता है। और बिना मास्क के सुकून। तो अभी हम निकल रहे घर के लिए, एक बार फिर से आप ये नज़ारा देख सकते हो, शानदार नज़ारा शाम का बेहतरीन, डुअल कैमरा के साथ एमसीजे फ्रंट कैमरा भी चल, बैक कैमरा भी चल दे भाई। तू है तो मैं हूँ। यहाँ पे शाम का ट्रैफिक, यहाँ पे कोई भी बैठे थे, लेकिन अभी पुलिस वाले आके सबको उठा दी। मुझे लगा यहाँ पे एक जूते वाला बैठा रहेगा, तो उससे देखूंगा। वैसे रोड वाले शूज़ लेता नहीं मैं कभी, लेकिन ऐसे पहनने के लिए ले ले दो टाइम पास, जिम विम के लिए। एफ एस में भी आपके लिए गया ताकि आपको ब्लॉग बता सकूँ, बाकी मैं लेता नहीं हूँ। ये देखिए जूता मस्त है।
भैया मेरे चल रहे भाई जल्दी कितना टाइम पास करें भीड़ रही कितनी जमा हो गई है ट्रेन में बहुत भीड़ रहेंगे अभी कचरे देखते अभी ट्रेन में कितनी भीड़ रहती मुझे लगता नहीं अपने फर्स्ट क्लास में आना फर्स्ट क्लास में आने के तो ऐसे रिंगलेट ले रहा है क्यों रे एक बार देख तो ले देख ले हम लोग पहुंच गए स्टेशन तो देखते हैं अभी कौन सी ट्रेन है कौन सी ट्रेन है सामने थाने कल्याण फास्ट है 7 नंबर पे कल्याण फास्ट सात नंबर पे ना कौन सी है ये कल्याण है ना कल्याण जल्द शर्ट आई मेरा मोबाइल गया रहा कल्याण है ना कल्याण कल्याण फास्ट से आते ना भागो इसके पहले ट्रेन चालू हो जाए इधर इधर सीधा ना फाइनली हम लोग बैठ गए तो अभी हम लोग पहुंच गए डोंबिवली फाइनली ट्रेन से बहुत थक गए अभी मेरे को घर छोड़ना है अभी नित्या को घर छोड़ने आने गए नितेश को घर छोड़ दूंगा और फिर वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे जिम मैं जिम जाऊंगा तो बाद में हाँ वो ये जिम जाएगा और मैं बाद में आऊँगा बहुत भीड़ थी इतनी भीड़ मैंने कभी देखा नहीं चार्ज है 18 क्या बोला चार्ज बोला 18 मेरी गाड़ी इधर जिम किधर रखी अपने गाड़ी जिम किधर है मेरे अभी अपने चल के आना पड़ेगा थोड़ा Okay.